नमस्कार, दी पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी की ऐसी योजनाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो योजनाएं हर गरीब को माला माल बना चुकी है। ऐसी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर गरीब तक लाखों रुपए की सहायता पहुंचाने जा रही है। ऐसी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर गरीब तक इन योजनाओं का लाभ पुष्टि करने जा रही है। तो चलिए हम बात करते हैं मोदी सरकार की 8 साल की इन 8 योजनाओं के बारे में जिनका फायदा उठाकर आप लाखों रुपए तक सरकार से सहायता पा सकते हैं। सिर्फ आप गरीबी रेखा से होने चाहिए, कुछ योजनाएं हर प्रकार के शख्स के लिए जारी है। मोदी सरकार की 8 साल की ये 8 योजनाएं करोड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ, देश के किसान जिनके पास चाहे एक बीघा भूमि हो, चाहे एक कनाल भूमि हो, चाहे कितनी भी भूमि हो, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें 2,000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में भेजी जा रही है। यानी 2,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको दिए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। इसमें 3 कैटेगरी शिशु, किशोर और तरुण है। शिशु कैटेगरी के तहत 50 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत आपको काफ़ी सहायता और काफ़ी लोन पास हुए हैं और काफ़ी लोन से सहायता पहुँचाई जा रही है। वहीं पर आयुष्मान भारत योजना के तहत योजना गरीब लोगों के लिए जीवनदान साबित हो रही है। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष फ्री बीमा की सुविधा दी जा रही है। इसे सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मैं आपको बता दूं कि हर गरीब को आयुष्मान कार्ड मिला है। इस आयुष्मान कार्ड के तहत आप किसी भी हॉस्पिटल में साल में 5 लाख रुपए से कम तक का इलाज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप 1 से लेकर 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन पा सकते हैं। आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, तो आप लोन ले सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपए दिए जाएंगे और इन योजनाओं को आप जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आयुष्मान कार्ड के लिए आप उनको बोल सकते हैं, उनके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। बैंक में जाकर आप लोन ले सकते हैं। किसी भी CSC में जाकर आप प्रधानमंत्री कृषि योजना यानी 2,000 रुपये हर चौथे महीने का फायदा उठा सकते हैं। वहीं पर अगर आप गरीबी रेखा में आपको आवास नहीं मिला है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप होम लोन में सब्सिडी पा सकते हैं। होम लोन लेने वालों को लगभग 2,60,000 रुपये का लाभ मिलता है। इस स्कीम से लोगों को अपना घर खरीदने में मदद मिल रही है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि उज्ज्वल योजना के तहत गरीब महिलाओं के मुश्किल भरे जीवन की राह कुछ आसान ही है। इसके तहत आप LPG गैस सिलेंडर बांटे गए हैं, यानी फ्री में सरकार की तरफ से गरीबों को LPG गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार की बीमा योजना के तहत आप बीमा कवर पा सकते हैं। सालाना जो है आपको 300 रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान करके आप 2 लाख रुपये तक का जीवन ज्योति बीमा पा सकते हैं। इसका फायदा 18 से 50 वर्ष के लोग उठा सकते हैं। बीमा योजना का फायदा है कि आप किसी घटना में या आपकी अवधि पूरी होने पर आपको लाभ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 0 बैलेंस पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें सरकार मुश्किल की घड़ी आने पर राशि भी जमा कर सकती है। वहीं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आप लोगों तक हर महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। 5 किलो तक मुफ्त राशन आपको प्रदान किया जाएगा। और आप देख सकते हैं, ये थी कुछ मोदी सरकार की 8 योजनाएं जिनका फ़ायदा देश भर के गरीब लोग उठा रहे हैं। वहीं पर सरकार जो है नई सरकार बनने से पहले एक नई और योजना आ रही है जिसके तहत हर गरीब को जो है बेरोजगारी भत्ता या बेरोजगारी राशि की तरफ से दी जाएगी। जी सब कहना चाहूँगा कि जो युवा बेरोजगार है या जो भी घर गृहस्थी के लोग बेरोजगार है, उन लोगों तक आर्थिक सहायता परमानेंटली दी जाएगी। जब तक आपकी इनकम 2,500,000 रुपये तक क्रॉस नहीं करती है, तब तक ये सहायता महीने के 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की योजना जारी की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।